बिग गैट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और इसके बराबर में दिया गया जो घंटी जैसा आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पर टिक लगाइए और सेव कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, माय बिग गैट स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक्सेल में बहुत सारे लोग डेटाबेस की एंट्री करते हैं, लेकिन डेटाबेस की एंट्री करने के लिए कुछ लोगों को यूज़र फॉर्म ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी डेटा एंट्री फॉर्म से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डाटा की एंट्री कर पाते हैं। बहुत से लोग विजुअल बेसिक में डेटा एंट्री फॉर्म बनाते हैं और कुछ लोग जो है सीधे सीधे एक्सेल में डेटा को एंट्री करते हैं, लेकिन एक्सेल में एक ऐसा टूल भी है जिससे आप बिना विजुअल बेसिक के भी डेटा एंट्री फॉर्म बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा कैसे करते हैं। एक्सेल में डेटा एंट्री फॉर्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा स्टार्ट बटन पर और यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन में जाना होगा। इसके बाद आपको जाना होगा कस्टमाइज पर। तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कमांड्स नॉट इन द रिबन, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए फॉर्म को। ये देखिए, यहाँ पर फॉर्म हमें मिल गया है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ऐड बटन कराकर इसको ऐड करा लीजिए। ऐड कराने के बाद ये आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। हम यहाँ से एक बार इसको आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आप इसको ओके करेंगे तो ये जो फॉर्म है ये आपके क्विक एक्सेस बार में आ जाएगा। अब एक्सेल में आपको जो भी डेटा फीड करना है उसके लिए आप हेडर तैयार कर लीजिए। तो जैसे हम यहाँ पर हेडर बना लेते हैं, नेम, क्लास, रोल नंबर और एड्रेस। तो अपने हेडर में वो सभी फील्ड टाइप कर लीजिए जो आपको डेटा एंट्री फॉर्म में रखने हैं। अब बस सिंपल आपको करना ये है कि आप अपने उस हेडर को सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर बॉर्डर लगा लीजिए और इसके बाद ये जो फॉर्म का आइकन है आपके क्विक एक्सेस बार में, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर इस ओके बटन को दबाइए और आपका डेटा एंट्री फॉर्म तैयार। अब बस आपको यहाँ पर फीड करना है किसी का नाम, जो आपने फील्ड में लिख रखे हैं वही सारे ऑप्शन आप टाइप करते जाइए, क्लास, रोल नंबर और एड्रेस। इसके बाद एंटर। तो आप देखेंगे डेटा एंट्री फॉर्म काम करने लग गया है, आपने जो डेटा एंट्री किया है वो आपकी टेबल में यहाँ पर आने लग गया है। अब इसको थोड़ा सा आप और अच्छा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो टेबल, आप जो डेटा एंट्री करते जाएँ उसमें साथ के साथ बॉर्डर लगता जाए, तो आपको एक काम और करना होगा, जो आपने डेटा नीचे अभी एंट्री किया है उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए और उस पर बॉर्डर लगा दीजिए। बॉर्डर लगाने के बाद आप उसे सेंटर कर लीजिए और दोबारा से फॉर्म के आइकन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर न्यू, इसके बाद यहाँ पर आप न्यू डेटा पर चले जाइए और यहाँ पर एक नया डाटा एंट्री कीजिए। तो आप देखेंगे जो आपने टेबल पर ऊपर बॉर्डर लगाया था वो भी आपकी डेटा एंट्री के साथ साथ नीचे वाले डेटा पर आता जाएगा। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप यूज़र फॉर्म नहीं बनाना जानते हैं तो आप इस तरीके से अपने डेटा के लिए एक डेटा एंट्री फॉर्म बना सकते हैं और बड़ी ही आसानी से अपने डेटा को फीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बस डेटा फीड करना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के साथ में ही वो डेटा आपकी टेबल में आ जाएगा। आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।